चलिए बच्चों, तो फिर ये दूसरा राउंड आपका शुरू होता है प्रीपोजिशंस का, और ये दूसरा राउंड आपके फिर से 10 क्वेश्चंस का है। इसमें आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर आपको आगे जो है उसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस पूरी तरह से दिए गए हैं। आपके रैंक बनाए गए हैं, अगर आपने 10 out of 10 पाए तो फिर आप बेस्ट कहलाएंगे, और अगर आपने 7 out of 10 कहलाए पाए तो आप बेटर कहलाएंगे, और अगर आपने 5 out of 10 पाए तो आप गुड कहलाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आप धीरे धीरे ये सारी प्रिपरेशन करते रहिए। ये चीज़ें आपके आगे भी आपको क्लोज टेस्ट में, कॉमन एरर्स में, सेंटेंस फिलर्स में आपके काम आएंगे। 10-10 क्वेश्चंस के सेट्स हैं और फिर ये रेगुलर आपको प्रदान किए जाएंगे, और हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर कैरी करेगा, और रैंक जो है आपकी डिसाइड की जाएगी इस पर कि आप किस तरीके से इनको सेट करते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन शुरू। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर आप देख लीजिए, आपके आंसर्स मिला लीजिए जो भी आपने नोटबुक में लिखा हो अपनी, और ये देख लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपने 10 out of 10 पाए हैं तो निश्चित ही आप बेस्ट कहलाएंगे, और अगर आपने 7 out of 10 पाए हैं तो आप बेटर कहलाएंगे, और अगर आपने 5 out of 10 पाए हैं तो आप गुड कहलाएंगे, और अगर इससे भी आप नीचे हैं यू कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या कहलाना पसंद करेंगे। इसलिए ज़रूरत है मेहनत की, ताकि जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें प्रीपोजिशंस अपनी
इम्पॉर्टेंट जो उनकी पोजिशन है, रोल है, वो निभा सकें और आपके भी काम आए। तो चलिए, ये सारे जो प्रीपोजिशंस आपको दिए गए हैं उनको मैंने डिटेल यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि अप्राइज्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करें, जिसके मीन्स होता है सूचित किया गया। द पुलिस वर अप्राइज्ड ऑफ द एक्सीडेंट। फार फ्रॉम मीन्स होता है बिल्कुल भी न होना, अर्थात किसी चीज का बहुत दूर दूर तक रिलेशन न होना, ये सेंस होता है। शी वॉज फार फ्रॉम अट्रैक्टिव, यानी वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं थी। शी वॉज फैट एंड डार्क। प्रिकॉशन अगेंस्ट मीन्स किसी चीज से बचने का उपाय होता है। हैव यू टेकन ऑल द प्रिकॉशंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। टेक ऑफ मीन्स उतारना, जूते वर कपड़े वर उतारने के सेंस में टेक ऑफ का प्रयोग करें। शी टुक ऑफ हर शूज बिकॉज दे वर डर्टी। पुट ऑन मीन्स पहनना होता है। ही पुट ऑन हिज हैट बिफोर लिविंग द हाउस। इंक्वायर ऑफ किसी से पूछताछ करना, और इंक्वायर अबाउट किसी चीज के बारे में पूछताछ करना होता है। तो वी विल इंक्वायर ऑफ हिम, हम उससे पूछताछ करेंगे अबाउट दिस मैटर, इस मामले में। पॉपुलर विद होता है जब आप किसी के बीच में लोकप्रिय होते हैं। इज नॉट पॉपुलर विद हिज कॉलीग्स। प्रोवाइड विद प्रदान करना होता है। प्रोवाइड फॉर किसी चीज की व्यवस्था कर लेना होता है। तो दो वी मे बी प्रोवाइडेड विद एवरीथिंग, येट वी मस्ट प्रोवाइड फॉर द एविल डे। फॉर अ लॉन्ग वाइल मीन्स लंबे समय से, अर्थात आई हैव नॉट ईट एन एप्पल फॉर अ लॉन्ग वाइल। और कंप्राइज के साथ एक्टिव पैस में कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। पैसे में आप लगाते हैं बट एक्टिव में नहीं लगाते हैं। कंप्राइज मीन्स किसी चीज से बनना। तो द बिल्डिंग कंप्राइजेस 60 रूम्स, अर्थात अप्राइज के साथ ऑफ लगाएं। फार फ्रॉम होता है, प्रिकॉशन अगेंस्ट होता है, टेक ऑफ मीन्स उतारना होता है, पुट ऑन पहनना, हैट वगैरह पहनना, कपड़े पहनना, इंक्वायर ऑफ किसी से पूछताछ करना, और इंक्वायर अबाउट किसी चीज के बारे में पूछताछ करना। पॉपुलर विद मीन्स किसी के बीच में लोकप्रिय होना, लोगों के बीच में। प्रोवाइड विद जो चीजें हमें प्रदान की जाती हैं, और प्रोवाइड फॉर जो हम आगे की व्यवस्था कर लेते हैं। और फॉर अ लॉन्ग वाइल मीन्स लंबे समय से, और कंप्राइज के साथ एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन ना लगाएं। चलिए तो दोस्तों, जाते जाते बस इतना कि ये चीज़ें आपके काम आए, आप मेहनत करें, परिश्रम करें, और प्लीज़ 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 लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ आती हों वो सारी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।